Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the cardiac cycle. Cardiac cycle kya hota hai? Sequence of cardiac events during each beat. Per beat mein jo heart ke andar cardiac events hote hain, unke sequence ko bolte hain apan cardiac cycle. Events kaun kaun se hote hain, apan uske bare mein baat karenge. Cardiac cycle ka time hota hai 0.8 second. इवेंट्स की बात करते हैं, इसमें आर्टियल सिस्टोल होता है, आर्टियल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है. आर्टियल सिस्टोल का टाइम होता है 0.1 सेकेंड एंड आर्टियल डायस्टोल का टाइम होता है 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम होता है 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम होता है 0.5 सेकेंड. है ना, अब आप समझते हैं अपनी कार्डियक साइकिल को. ये अपनी कार्डियक साइकिल है एंड ये जो रेड के अंदर वाला है इस ये रहा है वेंट्रिकल के इवेंट्स को शो कर रहा है और बाहर वाला शो कर रहा है आर्टिकल के इवेंट्स को. आर्टिकल इवेंट्स हुआ था 0.1 सेकंड के लिए. तो ये जो पर पार्ट है ना, ये यहाँ से आता है पर पार्ट ये शो कर रहा है 0.1 सेकंड को. ये यहाँ से आता है 0.1 सेकंड को शो कर रहा है. तो आर्टिकल सिस्टोल हुआ था अपना 0.1 सेकंड के लिए और जो आर्टिकल डायस्टोल होता है 0.7 सेकंड के लिए. तो ये यहाँ से आता है कि ये पूरा है अपना आर्टिकल डायस्टोल और ये है अपना आर्टिकल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड के लिए और आर्टिकल डायस्टोल है 0.7 सेकंड के लिए. और अंदर वाला है ये वेंट्रिकल को शो कर रहा है वेंट्रिकल के इवेंट्स को. तो वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ था 0.3 सेकंड के लिए, है ना, और वेंट्रिकल का डायस्टोल हुआ था 0.5 सेकंड के लिए, है ना. अब ये वाले जो 4 सेकंड है ना, इसमें ना ही तो अपना आर्टिकल सिस्टोल कर रहा है और ना ही अपना वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है. मतलब दोनों आर्टिकल और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल कंडीशन में है. तो इसे बोलते हैं अपन जॉइंट डायस्टोल, जिसमें ना ही आर्टिकल करे ना ही वेंट्रिकल, दोनों में से कोई भी सिस्टोल ना करे, दोनों डायस्टोल कंडीशन रहे, उसे बोलते हैं अपन जॉइंट डायस्टोल. ये अपना कार्डियक साइकिल का. अब अपन कार्डियक इवेंट्स को समझेंगे, जैसे कि अपने आर्टिकल सिस्टोल, आर्टिकल डायस्टोल, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि उसके अंदर आर्टिकल सिस्टोल में आर्टिकल का वॉल्यूम बढ़ता है या फिर ब्लड आता है, मतलब क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में अपन बातें करेंगे, है ना. तो उसे समझने के लिए पहले अपन थोड़ा हार्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर अपन उन इवेंट्स के बारे में देखेंगे, है ना. ये अपना लेफ्ट ऑर्टिकल, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑर्टिकल, ये राइट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट ऑर्टिकल है ना, ये ब्लड किससे लेता है, जो अपनी पल्मोनरी वेन है ना उसके, वो ब्लड लेके आती है लेफ्ट ऑर्टिकल में, ये है ना आर्टिकल में. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड किसको देता है, अपनी सिस्टेमिक आर्टरी है, इस वो इससे ब्लड लेके जाती है, ये इसको ब्लड लेके आ रही है ना, जो अपनी पल्मोनरी वेन है वो ब्लड लेके आती है लेफ्ट ऑर्टिकल तक. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सिस्टेमिक आर्टरी ये ब्लड को लेके जाती है ना, ये ब्लड को लेके गई. और जो अपनी राइट ऑर्टिकल है इसके अंदर ब्लड कौन लेके आ रही है, अपनी सिस्टेमिक वेन, है ना, सिस्टेमिक वेन लेके आ रही है. और जो अपनी राइट वेंट्रिकल है इससे ब्लड कौन लेके जा रहा है, अपनी पल्मोनरी आर्टरी, है ना. तो इस तरह से होता है. अब अपन कार्डियक इवेंट्स को समझते हैं. कार्डियक इवेंट्स से पहले अपन आर्टियल इवेंट्स के बारे में समझते हैं, है ना. तो आर्टियल इवेंट्स के अंदर दो थे, अपने आर्टियल सिस्टोल एंड आर्टियल डायस्टोल. तो आर्टियल सिस्टोल के बारे में बात करते हैं. आर्टियल सिस्टोल का ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना था, 0.1 सेकंड. सिस्टोल में होता है मतलब किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्शन होना, सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. तो अब किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आर्टिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम है वो कम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल है, जो आर्टिकल का वॉल्यूम है वो कम होगा और प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. नहीं, आर्टिकल अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर तो बढ़ेगा, जैसे बात है ना. अब ये सिस्टोल है, जो आर्टिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिस्टोल हुआ है, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो ब्लड क्या करेगा, आर्टिकल से वेंट्रिकल के अंदर आएगा, है ना. तो ब्लड मूव इनटू वेंट्रिकल, है ना. अब इसका प्रेशर बढ़ गया है, अपने आर्टिकल का प्रेशर बढ़ गया है, नहीं, तो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होने से उसका प्रेशर बढ़ गया है. प्रेशर बढ़ गया तो अपने जो एवी वाल्व्स है, आर्टिकल और वेंट्रिकल के जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स है वो ओपन हो जाएंगे, नहीं, और ये एवी वॉल से ये तो ओपन हो जाएंगे, और जो सेमिलुनर वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, है ना. ये तो हो गया अपना आर्टिकल सिस्टोल. अब बात करते हैं आर्टिकल डायस्टोल के बारे में. आर्टिकल डायस्टोल में क्या होता है, आर्टिकल डायस्टोल का इसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 0.7 सेकेंड. अब डायस्टोल मीन्स उसका रिलैक्स होना. अब डायस्टोल होगा मतलब रिलैक्स होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर है जो कम हो जाएगा. अब सिस्टोल होता है तो सिस्टोल के अंदर क्या होता है कि आर्टियल है जो ब्लड से फिलिंग होगी. अब आर्टियल के अंदर ब्लड कौन लेके आएगा, जो अपने राइट ऑर्टिकल है उसके अंदर तो ब्लड लेके आएगा सेल
जो आपने सिस्टेमिक वेन है वो लेके आएगी राइट ऑर्टिकल के अंदर। तो नहीं, जो अपने राइट ऑर्टिकल है इसके अंदर ब्लड कौन लेकर आ रही है? सिस्टेमिक वेन। नहीं, वो जो लेफ्ट ऑर्टिकल है इसके अंदर कौन लेकर आ रही है? पल्मोनरी वेन। लेफ्ट ऑर्टिकल के अंदर ब्लड कौन लेकर आ रही है? सिस्टेमिक वेन। और जो ये लेफ्ट आर्टिकल है इसके अंदर ब्लड लेकर आ रही है? पल्मोनरी वेन। तो बस ये उस ब्लड से फिल हो जाएंगे, मतलब डायस्टोल की कंडीशन में राइट ऑर्टिकल के अंदर ब्लड कौन लेकर आ रही है? सिस्टेमिक वेन। और लेफ्ट ऑर्टिकल के अंदर ब्लड कौन लेकर आ रही है? पल्मोनरी वेन। ये हो गया अपना आर्टिकल इवेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन वेंट्रिकल इवेंट्स के बारे में। बात करते हैं अपन वेंट्रिकल इवेंट्स के बारे में। वेंट्रिकल इवेंट्स में दो होते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल सिस्टोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। नहीं तो इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.3 सेकंड होता है वेंट्रिकल सिस्टोल का। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम है जो कम हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा? ब्लड मूव करेगा इनटू आर्टरीज वेंट्रिकल से, और मूव करेगा ब्लड आर्टरीज के अंदर। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चल जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर। और जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, है ना। वेंट्रिकल से सिस्टोल होगा तो ब्लड मूव कहाँ करेगा? आर्टरियों के अंदर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब बात करते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेस, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, है ना। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है? टाइम ड्यूरेशन होता है जिसका 0.5 सेकंड, है ना। और डायस्टोल कंडीशन में क्या होता है कि मतलब रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर है जो कम हो जाएगा। अब वेंट्रिकल जो डायस्टोल है, तो डायस्टोल क्या होगा? जो ब्लड है, ब्लड मूव इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर जो ब्लड है वो डायस्टोल के अंदर आएगा। नहीं, थोड़ा स्लोली स्लोली आएगा, लेकिन आएगा। मतलब ब्लड है जो वेंट्रिकल से और आर्टिकल के अंदर आएगा, जब वेंट्रिकल है जो डायस्टोल हुआ है। तो बस इस तरह ये अपने कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ, कार्डियक साइकिल के इवेंट्स। नाउ थैंक यू।